प्रेस द बेल आइकन ऑन YouTube एंड डोंट मिस अनदर अपडेट। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी में उथल पुथल का दौर जारी है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुप्पी साध रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के संरक्षक व यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव एक्टिव हो गए हैं। जी हां, मुलायम सिंह यादव पिछले लगातार 3 दिन से कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। वे जान रहे हैं कि आखिर क्या कारण रहा, क्यों समाजवादी पार्टी के पक्ष में नतीजे नहीं आए और केवल 5 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी जीत पाई। वहीं उनके परिवार की जो सीटें थीं, चाहे डिंपल यादव की सीट रही हो, चाहे धर्मेंद्र यादव की सीट रही हो, दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी हार गई और एक तरीके से ये बहुत ख़राब नतीजे हैं समाजवादी पार्टी के लिए। और जिस गठबंधन का हाइप बनाया जा रहा था कि सपा बसपा गठबंधन हो जाएगा तो यूपी में बीजेपी को एक बहुत बड़ी चुनौती मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी या कि एनडीए 64 सीटें यूपी में 80 में से जीतने में कामयाब रही। 1 सीट कांग्रेस को मिली, वहीं 15 सीटों में 10 सीटें बसपा को और 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली। जानकार ये भी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा झटका ये समाजवादी पार्टी के लिए, उसका कारण ये है कि अखिलेश बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे इस गठबंधन को लेकर और उनको जीत की पूरी उम्मीद थी कि कई सीटों पर सपा बसपा जीतेगी, खासतौर से सपा की जीतने की काफ़ी उम्मीदें थीं। अगर हम देखें, अगर रिजल्ट की एनालिसिस की बात करें तो समाजवादी पार्टी को केवल 5 सीटें मिली हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बसपा का वोट ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है। इस बात को लेकर सपा के भी कई वरिष्ठ नेता बेहद नाराज़ चल रहे हैं, कईयों ने अखिलेश के नेतृत्व पे भी कहीं ना कहीं सवाल उठना शुरू हो गया है। ऐसे में नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव, जिनको नेताजी भी कहा जाता है, वह पूरी तरीके से अब एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि जो स्थिति सपा की हुई है ये बेहद चिंताजनक यहाँ पर हो गई है। क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव भी हैं और पिछली बार सपा की ही सरकार यूपी में थी, अभी बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बैठकों का दौर समाजवादी पार्टी में जारी है। अब सुनने को ये आ रहा है, जो कि जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, कि अब मुलायम सिंह यादव फिर से सपा के पोस्टर बॉय के तौर पर नज़र आएंगे। पिछड़ों को साधने के लिए समाजवादी पार्टी ऐसा करने जा रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो सबसे अहम वोट बैंक माना जाता था समाजवादी पार्टी का, पिछड़ा वर्ग, वह समाजवादी पार्टी से दूर होता जा रहा है। तो इसको साधने के लिए मुलायम सिंह यादव को फिर से समाजवादी पार्टी आगे ला सकती है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की इमेज जो थी पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेता वह कहलाते थे, लेकिन जैसे कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से, अखिलेश और उनकी टीम पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को टेक ओवर किया है, उसके बाद से पकड़ जो संगठन पर और पिछड़े वर्ग में और दूसरे वर्गों में समाजवादी पार्टी की काफ़ी घट गई है, और शिवपाल यादव के जाने के बाद ये पकड़ और भी कमज़ोर हुई है। और अभी कई सीटों पर बाई इलेक्शन भी होना है, 11 सीटें लगभग खाली हुई हैं यूपी में जहां पर ये बाई इलेक्शन हो रहा है। तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव को फिर से आगे ला सकती है। अब देखना ये होगा कि इस पर औपचारिक घोषणा कब होगी और किस तरीके से इसका असर होगा, ये बात यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं यूपी में इस बात की अब चर्चा है कि समाजवादी पार्टी का जो हाल हुआ है, अब उससे बाहर निकालने के लिए समाजवादी पार्टी को सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को खुद आगे आना पड़ेगा। द प्रिंट के लिए प्रशांत श्रीवास्तव।